बीच सागर से बड़ी खबर, जहां बी24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बीमार बच्चों को इलाज के लिए मुंबई भेजा जा रहा है। सीएम शिवराज ने इलाज का आश्वासन दिया। सीएम बाल उपचार योजना के तहत बच्चे का इलाज होगा। केसली निवासी दंपत्ति के एक वर्षीय बच्चे के दिल में छेद है। सागर में प्रशासन दंपत्ति को सीएम से मिलने के लिए रोका था। पिता ने गोद से बीमार बच्चे को फेंक दिया था। और इस पूरी खबर को IBC24 में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इस खबर का असर हुआ और कल ही परिजनों के साथ बच्चे को भोपाल भेजा गया था। उमेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, हमारी खबर का एक बड़ा असर, बीमार बच्चे को इलाज के लिए अब मुंबई भेजा जा रहा है। जी हाँ, IBC24 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि जो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान जो सागर आए थे कुशवाहा समाज के सम्मेलन स्थल में शामिल होने के लिए, वहां पर एक केसरी निवासी दंपत्ति मुकेश पटेल और अपने परिवार के साथ वहां आया था और सीएम शिवराज सिंह से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनको सीएम से मिलने नहीं दिया था। इससे गुस्सा आए और परिजनों ने जो है अपनी गोद में दिए एक पक्ष के बच्चे को उछाल दिया था, फेंक दिया था। तो उसको नोटिस लिया शिवराज सिंह ने और उनको बुलाया, उनकी समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने बताया कि बच्चे के दिल में छेद है और उसका इलाज जो है यहाँ पर संभव नहीं है और लगभग 3 लाख रुपए का खर्च उसमें आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने सीएम ने जो है जिला प्रशासन को जो निर्देश दिए उस बच्चे को उचित व्यवस्था कराने के, उसको आश्वासन दिया। उसके बाद जो है खबर चलने के बाद IBC24 की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने जो है मुकेश और उसके बच्चे को भोपाल भेजा। भोपाल में उसके स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना के तहत उसको मुंबई के नारायण अस्पताल में भेजा जा रहा है। ये जानकारी सागर के कलेक्टर दीपक आर ने दी है कि उसकी उसका इलाज जो है मुंबई में होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सागर में उससे कहा था, आश्वासन दिया था कि आपके बच्चे का इलाज हम कराएंगे और वो करा रहे हैं और मुंबई में उसको भेजा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी के लिए।